हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका आज की खास पेशकश में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में। आज देश भर के सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का जो प्रचार किया जा रहा है वो अभिनेता अक्षय कुमार और जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनकी तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि ये एक हिंदू सम्राट की फिल्म है। आज अखबारों में विज्ञापन आया कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की फिल्म देखने के लिए आप थिएटर्स में पहुंचिए, फिल्म रिलीज हो गई है। अब ये विज्ञापन जब सबसे पहले मैंने देखा तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि क्या दलित पिछड़े आदिवासी समाज को ये जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वो मनुवादी मानसिकता है, वो हमें हिंदू मानती है क्या? और जो मानसिकता हमें हिंदू नहीं मानती है तो फिर हम इस सो कॉल्ड जो इन्होंने प्रचार किया है उसमें हम क्यों फंसे, हम उसमें क्यों जाएं? ये सवाल मुझे इस विज्ञापन को देखने के बाद आया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ये फिल्म देखनी चाहिए और क्या ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, क्या इसकी ऐतिहासिकता है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि जो हम अनुभव देखते हैं बॉलीवुड का, खासकर जो माया नगरी के जो सवर्ण लेखक, अभिनेता, डायरेक्टर्स हैं, वो किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से जो कहें कि ब्रह्मनिकल वर्जन ऑफ थियरी है उसके ज़रिए पेश करते हैं और इतिहास की कुछ भी घटनाओं को कुछ भी बताकर पेश कर दिया जाता है। छोटा सा डिस्क्लेमर कहीं डाल दिया जाता है कि ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है और दावा नहीं करते कि सब कुछ सच है, लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो मूवी हैं, वो हम देखते हैं, लगातार प्रसारित की जाती रही हैं। तो क्या हमें ये फिल्म देखने जाना चाहिए? पहला सवाल, अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि ये फिल्म ऐतिहासिकता को प्रमाणित करेगी, इतिहास आपको बताएगी, तो आपको ज़रूर मायूसी हो सकती है क्योंकि इसमें जो फिल्म की कहानी है उस पर ये बिल्कुल आशंका है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया होगा और पृथ्वीराज चौहान के जो जीवन है, उनके संघर्ष हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में जो एक कहें कि एक डॉक्यूमेंट माना जाता है वो पृथ्वीराज रासू है, जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा था। लेकिन उस पर भी बहुत विवाद है कि किस तरह से वो चंद्र बरदाई ने लिखा, वो खुद वहाँ पर मारे गए, वो वापस लौट के नहीं आई, तो फिर उनके बेटे ने, अलहड़ ने उसको लिखा, तो उस पर भी एक विवाद है पूरा। वो भी ऑथेंटिक सिटी उसकी कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, तो उसको लेके ये कहानी लिखी गई कि जो व्यक्ति, जो उसका लेखक था, वो कभी वापस लौट के नहीं आया, तो फिर उस कहानी को किसने लिखा, उसके बेटे को कैसे पता चला कि वहाँ पर क्या थे और कैसे उन्होंने पृथ्वीराज को वो एक कहावत के जरिए बताया कि लोकेशन कहाँ है दुश्मन की, और फिर उन्होंने उसको मार डाला दोनों को, फिर वहाँ पर जो है उनके साथ क्या हुआ, वो वर्णन यहाँ बैठ के एक व्यक्ति ने कैसे कर दिया, ये एक सवाल अपने ऊपर उठता है। तो ऐसे में जो इस पर फिल्म बनाई गई होगी उस पर बिल्कुल ये आशंका है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के और अपने नज़रिए से उसको बड़ा चढ़ाकर या किसी भी तरीके से पेश किया गया होगा। लेकिन अगर आप इतिहास के नाते इसको देखना चाहते हैं कि इसमें ऐतिहासिक प्रमाण मिले, तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको ना देखें। इससे बेहतर ये होगा कि आपको इतिहास की किताबें पढ़ें, आप खुद जो है पृथ्वीराज रासो को पढ़ें, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट माना जाता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आप उनके उनके पूरे उस चीज़ को समझ सकते हैं, ऑथेंटिक लेखक आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं। तो आप जो सिनेमाघर के टिकट खरीदने वाले हैं, उस टिकट के ज़रिए आप उस अपनी मनी बचाइए, अपना पैसा बचाइए और उस टिकट की जगह आप एक इतिहास की किताब खरीद लीजिए। उस इतिहास की किताब से शायद आपको कुछ और समझ मिल जाएगी। अगर आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उस पे मुकम्मल जानकारी आपको इतिहास में ही मिलेगी, वो किसी फिल्म में नहीं मिल सकती, क्योंकि फिल्म बनाने वाले, फिल्म में एक्टिंग करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी एक्टिंग की भी खूब सारी आप चीज़ें देख ही रहे होंगे कि किस तरह से अक्षय कुमार की एक्टिंग तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से उन्होंने जो ट्रेलर में जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने को मिले थे, तो लोग कह रहे थे इसने ये एकदम कॉमेडी फिल्म बना दिया है, कैसे व्यक्ति को ये इतना बड़ा किरदार सम्राट पृथ्वीराज का दे दिया गया और ये व्यक्ति बिल्कुल इसमें फिट नहीं हो रहा। इसको लेकर बहुत सारे मीम्स बने, बहुत उनका मजाक उड़ा, लेकिन ठीक है, ये जिन लोगों ने बनाई है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने बनाई है और इनका कहना है कि ये इतिहास को दिखाने वाले हैं। लेकिन खासकर बहुजन समाज के व्यक्तियों से मेरी अपील है कि ऐसी जो प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं, आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं, उनको देखने में अपना पैसा बर्बाद ना करें, उनके प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। अगर आपको इतिहास को वाकई सच में जानना है तो इतिहास की किताबें पढ़िए, कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देखिए, रिसर्च कीजिए। ये जो शॉर्टकट है इतिहास को जानने का, ये बहुत ही कहीं कि मैनिपुलेटेड हो सकता है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसमें आपको गलत जानकारी दे सकती हैं, और जो कहते हैं कि एक बार जो दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, वो फिर आपको लाइफ लॉन्ग हो सकता है आपके दिमाग में वो छवि बन जाए, वो जहन में बैठ जाए, वो काम नहीं करना है। तो मेरी अपील है कि आप ये फिल्म ना देखे। वैसे भी इस फिल्म को बहुत सारे लोग देखने को जा नहीं रहे हैं क्योंकि जो इसके अभिनेता हैं अक्षय कुमार,
उनकी जो उन्होंने पिछले दिनों सरकार की किस तरह से चापलूसी की है, वो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से लेकर तमाम तरीके के जो सरकार से जुड़े हुए विज्ञापनों में, उनके कामों में वो किस तरह से सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उसको लेकर उनकी छवि पर बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है। और लोग अपना कहें कि अब उसमें हीरो की तरह अक्षय कुमार को नहीं देखते, उनकी फिल्में देखने के लिए आप देखेंगे पिछले उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। और इसी तरह से आप देखें कि जो कंगना रनौत है, उनकी फिल्म धाकड़ अभी आई थी, एकदम फिसड्डी, मतलब कहें कि हाल फिलहाल के इतिहास की सबसे फिल्मी इतिहास की सबसे खराब, सबसे फ्लॉप, सुपर फ्लॉप फिल्म रही है धाकड़। उसको आठवें दिन सिर्फ कुछ टिकट बिके थे, 4000 की भी इनकम उनको नहीं हुई थी, वो इतनी ज़्यादा फ्लॉप है। उसको OTT पे भी कोई खरीद नहीं रहा, उसके राइट्स को खरीद नहीं रहा। तो क्यों? क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लोग जो हैं ये सत्ता के चाटुकार हैं, ये जन सरोकार के मुद्दों पर चुप रहते हैं, ये चाटुकारिता करते हैं, ये अपने अभिनय को सरकार से प्रायोजित करके हम लोगों को जो है हमारी जेब से पैसा निकालते हैं, प्रोपेगेंडा का शिकार करते हैं। तो लोग अब ये समझ रहे हैं। तो कंगना का नुकसान हुआ और इसी तरह से आप देखेंगे अक्षय कुमार का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज जो सिनेमाघर हैं दिल्ली के, नोएडा के, NCR के जो सिनेमाघर हैं, आप उसमें देखेंगे तो दो दो चार चार टिकट बिकी हैं। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी है और वो बताते हैं कि किस तरह से इस फिल्म को लेकर अलग अलग जो थिएटर्स हैं उसमें ये फिल्म के टिकट बहुत कम बुक हुए हैं। ये ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि NCR के नोएडा में जो है, नोएडा में धर्म पैलेस है, काफ़ी बड़ा सिनेमा है, वहाँ पर सुबह 9:30 का जो शो था उसके सिर्फ 2 टिकट बिके हैं। हिंदुओं का इलाका है, BJP के MLA और MP हैं यहाँ पर, लेकिन पब्लिक हॉल में जा नहीं रही। इसके अलावा लिखते हैं कि गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में सुबह 9:00 के शो के सिर्फ 5 टिकट बुक हुए हैं, यानी कि लोग उनको जा नहीं रहे हैं फिल्म देखने के लिए। इसी तरह वो अलग अलग सिनेमाघरों के जो हैं डिटेल बताते हैं। डिलाइट सिनेमा का दिल्ली का बताते हैं कि वहाँ पर भी 2-3 टिकट बुक हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सबसे बड़े सिनेमा हॉल हैं जहाँ पर इसको फिल्म को देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। और यह सवाल ये भी उठता है कि इस फिल्म को अगर एक राजा के जो है संघर्ष को दिखाया जाता, उनकी लड़ाइयों को दिखाया जाता, तो एक ये होता है कि भाई फिल्म है, उनकी सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर इसको फिल्म को बनाया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म का जो प्रचार हुआ है वो हिंदू सम्राट के तौर पर हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हिंदू कौन है? हिंदू अगर सबको वो मानते हैं तो जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनकी सेना में कौन लोग थे? हिंदू लोग तो आपस में बैठ के खाना भी नहीं खाते थे, छुआछूत करते थे एक दूसरे को, वो सभी जातियों को मिलके साथ में वो नहीं रहते थे। तो उनकी जो सेना थी, जो उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, उनमें कौन लोग शामिल थे, कितनी जातियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिला था, नुमाइंदगी मिली थी, किन को वो लोग हिंदू मान रहे थे, ये सवाल भी खड़ा होता है। तो जिस प्रचार ही यही कहा किया गया है कि ये हिंदू सम्राट की फिल्म है, तो जो हिंदू नहीं है, जिनको आप हिंदू मानते नहीं हैं, जिनको आप घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं, जिनको आप मूछे रखने पर मार देते हैं, जिनको आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करने पर उनकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर देते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको इतिहास में पीछे धकेल देते हैं, ये आपको पूछना चाहिए कि फिर वो हिंदू नहीं है तो फिर वो आपकी फिल्म क्यों देखे? 1000 रुपये, 500 रुपये की टिकट देके, 250 रुपये की टिकट देके, अपने जेब का, मेहनत का, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लोग, पैसा कमाते हैं, वो अपना पैसा खर्च करके इस फिल्म को क्यों देखें? ये सवाल ज़रूर है। तो मेरी आपसे अपील है कि वो जो पैसा आपके पास 1500-2000 रुपये आप इस पे फिल्म पे खर्च करें, उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को अच्छी किताबें दें, उनका एडमिशन कहीं करा दें, उनकी कोचिंग के लिए फ़ीस भर दें, उनके इंटरनेट मोबाइल को रिचार्ज करा दें ताकि वो इंटरनेट से कुछ अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। ये होना चाहिए, उनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए और अपने लोगों को अपना पैसा इस तरह की फिल्मी प्रोपेगेंडा में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको तो सत्ता का संरक्षण है। अमित शाह के साथ मिलकर वो फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन जैसे जो गोदी मीडिया के जो चाटुकार लोग हैं, मनु मीडिया के जो चाटुकार लोग हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग ट्विटर स्पेस में ये कह रहे हैं कि ये हिंदू सम्राट की फिल्म है और हिंदुओं को जाना चाहिए। तो जो हिंदू हैं वो जाकर देख लें, वो अपनी आबादी के हिसाब से जाके देख लें, कर दें फिल्म को जो है वो हिट कर दें। ज़्यादातर राज्यों में, BJP शासित राज्यों में आप देखें, उत्तराखंड में, UP में, MP में, इसको टैक्स फ्री कर दिया, जबकि जय भीम फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई तो नहीं किया गया। और जो बहुजन वैचारिकी की जो फिल्में होती हैं उनको टैक्स फ्री नहीं किया जाता, उनको तो बल्कि स्क्रीन्स भी नहीं मिलते। अभी कोटा फिल्म रिलीज़ हुई थी तो जो द शूद्रा राइजिंग फिल्म के जो डायरेक्टर हैं संजीव जायसवाल, उन्होंने बताया था कि उनको स्क्रीन ही नहीं मिली, उनको सिनेमा के जो मालिक हैं उन्होंने रिलीज़
करने के लिए स्क्रीन ही नहीं दी। तो ऐसी वैचारिकी की फिल्मों को तो ये लोग इतना मतलब कहें कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनको कहें कि कम से कम वो चलें, इसलिए पूरी की पूरी षड्यंत्र होते हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए सत्ता प्रचार में लग जाती है, सरकारें प्रचार में लगी हुई हैं, टीवी मीडिया प्रचार में लगा हुआ है, इतना ज़्यादा इसका बड़ा चढ़ाकर काम किया जा रहा है, लेकिन फिल्म देखने के लिए लोग तो जा नहीं रहे। तो कम से कम बहुजन समाज के लोगों को इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, ऐसे प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप सम्राट पृथ्वीराज के बारे में वाकई जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़ी हुई किताबें पढ़िए, उनके जीवन संघर्ष को समझिए, उनकी क्या लड़ाइयाँ थी, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को समझिए। इस तरह के जो ये ड्रामेटिक फिल्म हैं, ये बड़ा चढ़ाकर बनाई गई हैं और अपने इतिहास का तोड़ मरोड़ कर नज़रिया पेश करती हैं, और इतिहास क्या हुआ था, किसने क्या चीज़ें की थी, वो अभी तक दस्तावेज मौजूद हैं। तो हमें ऑथेंटिक इतिहास को जानना चाहिए, ऐसे फर्जी इतिहास का जो लोग उनसे नहीं जाना चाहिए। और अक्षय कुमार क्या इतिहास सिखाएंगे, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कपिल शर्मा के साथ में कि वो 1 से 10वीं क्लास तक 3 बार फेल हुए थे। वो पहली से 10वीं के बीच में 3 बार फेल हुए, तो वो किताबें पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई उनको ज़्यादा अच्छी लगती नहीं थी, वो खुद कबूल कर चुके हैं। अब वो बताइए हमको इतिहास सिखाएंगे, वो जो आदमी खुद इतिहास नहीं जानता, जिसको किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिसको मालूम नहीं इतिहास क्या है, वो इतिहास हमको बताने वाला है। और अभी वो क्या कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस चीज़ को, ज्ञानवापी मस्जिद पर कहते हैं कि अरे वो जो चीज़ मिली है वो तो शिवलिंग जैसी लग रही है, वो उसको बता रहे हैं कि शिवलिंग जैसी है देखने में। तुम बहुत बड़े इतिहासकार हो गए अक्षय कुमार, तुम बताओगे कि क्या चीज़ें इतिहास में हुई हैं। तो फिर ये फिल्म को कामयाब करने के लिए इस तरह के आप जो हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये समाज को तोड़ने वाला प्रोपेगेंडा है, समाज को जोड़ने वाला नहीं है। आपके आपको सुपरस्टार बनाने में, आपको हीरो बनाने में हर किसी व्यक्ति ने अपनी जेब का पैसा लगाया है, आपकी फिल्मों को देखा है, लेकिन अब आप एक बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ आप देखेंगे, आप नफरत फैला रहे हैं, आप सरकार के चाटुकार बन गए हैं। तो आपकी फिल्म हम क्यों देखें, क्यों हम अपना पैसा आपके ऊपर खर्च करें, क्यों हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को आपके प्रोपेगेंडा के लिए लुटा दें। मैं तो कम से कम ये काम नहीं करने वाला, और अपने जानने वाले लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि इस प्रोपेगेंडा आधारित फिल्म को ना देखें। हमको अपना इतिहास जानना है तो इतिहास में हम पीछे जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, और इतिहास जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऐतिहासिक संदर्भों को खोजिए, किताबें पढ़िए, लेख पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, जो रिसर्च उनके ऊपर हुए हैं वो पढ़िए। जो भी व्यक्ति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहते हैं वो उनके बारे में पढ़े, लेकिन इससे कम से कम ऐतिहासिक गड़बड़ी से आप बच जाएंगे, ये फिल्में ना देखें। ये मेरी आपसे अपील है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग इतनी फेक प्रोपेगेंडा फिल्मों का शिकार क्यों बने। आप देखिए बॉलीवुड क्या कर रहा है, हमारे लोगों पे कोई फिल्में बनाएगा नहीं, हमारे लोगों के संघर्ष को बनाएगा नहीं। आज तक हिंदी जो इंडस्ट्री है 100 साल पुरानी हो गई, आज तक शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने फिल्में नहीं बनाई, जबकि वो तमाम जो संजय लीला भंसाली हैं, वो बाजीराव मस्तानी जैसे जो शिवाजी महाराज के जो मराठा एम्पायर था उसको हड़पने वाले जो लोग थे उनमें वो शामिल थे, पेशवाई राज के लोग थे, उनके ऊपर फिल्में बना दी गई। लेकिन बंबई जैसी महानगरी, महाराष्ट्र जैसी धरती पर जहां जो शिवाजी महाराज हैं, जो उन्होंने अपना राज स्थापित किया, समता न्याय के आधार पर अपना राज्य बनाया, उनको भी हिंदू सम्राट के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फिल्म आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं बनाई है, हमारे लोगों पर नहीं बनाते। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपने जेब का पैसा क्यों खर्च करें, कम से कम हमें इससे बचना चाहिए और हमें उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाना चाहिए। मेरी यही राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपनी राय को हम आपको आपकी राय के जरिए जानेंगे, एक हमको भी आसानी होती है समझने में कि जनता क्या सोच रही है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं, आपको इस तमाम जो ऐसी जानकारियाँ हैं वो आप तक बिना काटे छाटे, बिना लाग लपेट के पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।